बजट में टैक्स को लेकर जो खबरें होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि आप नौचंडी या सोनापुर के मेले में घूम रहे हैं, हाथ नीचे की जेब पर है कि नहीं कटे, मगर जेब पीछे से कट गई। जब आप पीछे की जेब पर हाथ रखते हैं तो कोई ऊपर की जेब से निकाल लेता है। जैसे ही टैक्स की खबरें आती है अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सरकार ने यहाँ वहाँ टैक्स लगा दिया है और यहाँ वहाँ जो राहत देने का काम किया है, क्या उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी या सरकार की आमदनी बढ़ेगी? क्या इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा या सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा? जरूरी पॉइंट है कि आय जो थम सी गई है, जो वेज बिल थम से गए, जो लोगों की इनकम और आय बढ़ नहीं रही है, लगभग 6 साल से लोगों की इनकम एक जैसी प्रतीत हो रही है। वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वरोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रति माह, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं, और जो मजदूर है वो 19,750 कमाते हैं। हमारी हमेशा से डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि 400 प्रतिदिन की न्यूनतम आय हर श्रेणी की होनी चाहिए। इस श्रेणी की जो आय है, मजदूरों की जो आय है, वो 400 रुपए प्रतिदिन पर नौकरी वाले हिसाब जोड़ने में लगे हैं कि टैक्स से 17,500 रुपए बचेगा, इस पैसे से क्या क्या करेंगे, फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे, इतना ज्यादा पैसा बच गया है कि समझ नहीं आ पा रहे हैं कि शेयर में लगाएं या सोना खरीद लें या फ्लैट खरीद लें, जो कि शेयर बाजार में मेहनत करने वाले लोगों के लिए बजट झटका लेकर आया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, शेयर बाजार में जो लोग दिन भर लगे रहते हैं वे भी काफी मेहनत करते हैं। अब ये क्लास काफी बदल गया है। कोविड के बाद भारी संख्या में गांव, कस्बों और साधारण लोग शेयर मार्केट में आ गए, जिससे बाजार का आधार भी बड़ा होता चला गया, भीड़ भी बढ़ गई। हमारे पास डाटा तो नहीं है कि इसमें कम मात्रा में कौन है और ज्यादा मात्रा में कौन। बेशक एक तबका घोर पेशेवर और बड़े निवेशकों और खिलाड़ियों का है जो शेयर बाजार के मास्टर हैं, लेकिन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों में आम लोग भी हैं, जो इसलिए शेयर बाजार की तरफ भागे कि बैंकों में ब्याज दर घटने लगा, कमाई बढ़ नहीं रही थी, तो अपना पैसा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए शेयरों की तरफ भागे। अब सभी प्रकार के वित्तीय एसेट पर लॉन्ग टर्म टैक्स 12.5% कर दिया है, लेकिन इस फैसले से शेयर बाजार के हर खिलाड़ी पर एक समान असर पड़ेगा कहना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसे नए निवेशक या आम निवेशक इस बात से खुश होंगे? इस बजट में 1 साल बाद बेचे जाने वाले शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर अपने शेयर खरीदने के 1 साल से पहले बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स अब 15 की जगह 20% देना पड़ेगा। ट्विटर पर ऐसे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। इनमें से कई लोग खुद को सरकार समर्थक बता रहे हैं, सरकार को कम्युनिस्ट लिखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है किसी की कमाई कम होगी, हम भी समझते हैं, तो तुरंत अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से ट्विटर पर इंडेक्सेशन टैक्स की आलोचना हो रही है, उससे लगता है कि ट्विटर पर ऐसे लोग ज्यादा सक्रिय है जिन्होंने 2 से 3 फ्लैट खरीद रखे हैं, शेयर बाजार में काफी लगा दिया है और खाली वक्त में ट्वीट कर राष्ट्रवाद का परचम लहराते हैं। लेकिन उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए, ये टैक्स भी तो उसी राष्ट्र के विकास के लिए है जिसके राष्ट्रवाद के नाम पर आप तूफान मचाए हुए हैं, हर गलत को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग गुस्से में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे देंगे, बताइए। लेकिन दूसरी तरफ और भी एक दूसरा क्लास है जो कांग्रेस अगर ऐसा फैसला करती तो खुलकर आलोचना करते, लेकिन अभी वे मोदी जी की साइड में दिखने चाहते हैं, इसलिए ट्वीट कर रहे हैं 12.5% टैक्स लग तो रहा है पर बहुत ज्यादा नहीं है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। दरअसल अभी तक ये सरकार की तरफ से ये लोग जो नाराज हो गए हैं, किसी को ट्रोल करते थे, धमकाया करते थे, क्या आप राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं, अब सरकार को ही ट्रोल करने लगे, तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इनका करना क्या है। तो ट्वीट देखिए, इग्नोर कीजिए और हंसिए। अब देखिए, कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी गई, तब इन लोगों ने नहीं कहा कि उन्हें क्यों छूट दी, ये कॉरपोरेट के लिए खुश हो रहे थे तब। ठीक है, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स घट गया, टैक्स संग्रह में पर्सनल टैक्स का हिस्सा बढ़ता गया और कॉरपोरेट का हिस्सा घटने लगा, इधर इसकी आलोचना काफी हुई, लेकिन सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में दी गई छूट वापस नहीं ली, अब भी नहीं ली, जब वो खुद मानती है इस टैक्स से कॉरपोरेट का मुनाफा तो बढ़ गया मगर कॉरपोरेट ने नौकरी नहीं दी, लेकिन डंडा कहीं और चल गया।
आम से लेकर खास निवेशक लपेटे में आ गए। पहले आदत लगाई, यहाँ निवेश कीजिए, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ ज्यादा कमाएंगे, बैंक में पैसे क्यों रखते हो, इंटरेस्ट मिलता है, आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, वही कमाई है और टैक्स नहीं। सब दौड़े भागे गए उधर, सूरज देखना बंद कर दिए, लगे देखने सेंसेक्स। अब बजट के बाद जोड़ते रहिए टैक्स, शुरू में ही टैक्स लगा होता तो आप नहीं जाते इस तरफ भीड़ बनकर। अब देखिए एक और बात पर हंगामा हो गया है, जो मकान आप खरीदते थे उसे कुछ साल बाद बेचते हैं, उसी ओरिजिनल कीमत से महंगाई दरों का हिसाब लगाकर माइनस कर दिया जाता, तब जाकर 20% टैक्स लगता। सरकार ने इतना सा किया है कि अब महंगाई दर माइनस नहीं की जाएगी, अब सीधा टैक्स लगेगा। जैसे 10 लाख का फ्लैट लिया और 20 लाख में बेचा, तो जो 10 लाख का फायदा हुआ उस पर 12.5% टैक्स दे दीजिए। जाहिर है जो अपने फ्लैट में रहते हैं उसे बेचने जाएंगे उन्हें कम फायदा होगा, टैक्स ज्यादा लग जाएगा। एक तर्क है, इस फैसले से केवल वो क्लास नाराज है जो निवेश से बेशुमार दौलत बना रहा है, लेकिन सैलरी क्लास भी तो शेयर, सोना और मकान में निवेश करता है, उसकी कमाई तो बढ़ नहीं रही। आर्थिक सुरक्षा के लिए वो इन्हीं ठिकानों की तरफ जा रहा था, लेकिन अब उसे हर तरह के एसेट के कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होगा। एक तर्क है कि सैलरी क्लास 30% टैक्स देता है, उससे भी ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन वहां भी तो अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स रेट है, सभी पर एक तरह का टैक्स रेट तो नहीं है। मुमकिन है लोग फ्लैट में निवेश करते हैं, बंद रखते हैं, बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं, ऐसे लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी कमाई फ्लैट में लगा देते हैं, फिर दूसरा फ्लैट भी खरीदते हैं, कल बेचकर इससे कुछ कमा लेंगे या कुछ जरूरत पड़ी तो उसका सामना कर लेंगे। क्या उन्हें भी ये टैक्स पसंद आएगा? क्या उन पर ये भार पड़ना चाहिए था? तो इन दो पक्षों में कुछ लोग हैं जो निवेश करते हैं और कुछ लोग जरूरत के हिसाब से, निवेश के विकल्प के हिसाब से साधारण लोग हैं, सैलरी क्लास है, फ्लैट खरीदते हैं, दोनों के बीच संतुलन कहाँ ठहरता है देखना होगा। LTCG और इस पर बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड प्रोविजो को सरकार ने रिमूव किया है, लेकिन थर्ड प्रोविजो सेकेंड प्रोविजो को रेफर करता है, तो उसकी एक बहुत विवेचना करनी पड़ेगी। लेकिन जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडेक्सेशन हटाया गया है, लोगों का ये मानना है, सोशल मीडिया और टीवी पर इस पर डिबेट चालू है। और अगर इंडेक्सेशन हटाया जाएगा तो अगर किसी का पुराना घर है और वो आज की तारीख में बेचे तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लाइबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडेक्सेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आपने 10 लाख में घर खरीदा, अगर आप 50 लाख में कल तक बेचते तो आपको इंडेक्स वैल्यू माइनस जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता। आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे काले धन में भी मुझे लगता है, और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोविजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे। कांग्रेस अभी तुरंत नहीं कहना चाहती, ठीक भी है, इन तमाम प्रावधानों को देखने समझने के बाद ही कहा जा सकता है। यही हाल सोना खरीदने वालों का भी है, जो लोग सोना खरीद रहे हैं अगर 2 साल बाद बेचते हैं उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप 2 साल से पहले बेचेंगे, मामूली टैक्स, सोना खरीद कर 2 साल बाद बेचने के फैसले से तो आम लोग भी प्रभावित होंगे, उस पर जब टैक्स लगेगा, एक ऐसे वक्त में जब वे सोना गिरवी रखते हैं, सोना बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तुरंत ही बिक जाता है और तुरंत हाथ में पैसा आ जाता है, काफी जरूरत पर सोना बेचने जाते हैं, उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आए। इन सब बातों को लेकर ट्विटर पर लोग नाराज हैं। हमें नहीं पता कि ये लोग कौन है, अमीर निवेशक है या ऐसे है जो अमीर निवेशकों की बात करते हैं, लेकिन इस फैसले से मिडिल क्लास पर बुरा असर पड़ने वाला है। सोना फ्लैट में निवेश के जरिए अमीर बनने या आर्थिक सुरक्षा के सपनों पर प्रहार हुआ है। कमाई है नहीं, जो बचत के लिए सोना और फ्लैट रखा था उस पर टैक्स बढ़ गया तो मिडिल क्लास पसंद नहीं करेगा। IIM अहमदाबाद के एक अध्ययन है कि 2022 में नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे ऑफ गोल्ड कंजम्पशन किया गया, इससे पता चला कि भारत में जो 56% जो सोना है वो मिडिल इनकम ग्रुप के पास है। हर घर में किसी ना किसी मात्रा में सोना है, तो अब उससे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। घर घर में ये टैक्स लग गया है, लेकिन जब वो बड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी की तारीफ करते हैं तो इस तरह के बड़े फैसलों पर भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये बजट साथियों, करदाताओं को राहत देने वाला। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में
ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। लोगों की मांग थी इंश्योरेंस महंगा हो गया है, तो एटीडी के तहत इसके प्रीमियम पर जो छूट मिलती थी उसकी सीमा बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। इसके अलावा बजट में विदेश कंपनियों पर टैक्स कम कर दिया गया है। ये बजट गठबंधन के लिए था, वो साथ दिया गया। अब देखिए, इतने ही बजट में पूर्वोत्तर सुनाई देता था, इस बार पूर्वोदय आ गया नया आइटम, और पता चला कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की बजट में मात्र 8 करोड़ वृद्धि है। अब हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, काफी कुछ निकल कर आएगा, बजट पर बातें होती रहेगी। उन लेखों से सावधान रहिए जिनमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे फ्रॉड हर बजट में इसी तरह के लेख लिखते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, बस इतने से ही आप पता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी।